वल्लभ भवन में आग लगने का एक मामला सामने आया। एक हादसे की जानकारी मिल रही है, वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी बताया जा रहा है। और भोपाल में वल्लभ भवन में आग लगने की घटना सामने आई है। वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर यह आग लगी है। इस वक्त एक दुर्घटना की जानकारी भोपाल से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वल्लभ भवन में आग लगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वल्लभ भवन में आग लगने का यह मामला सामने आया, तीसरा फ्लोर जहां पर आग लगी बताया जा रहा है। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और वल्लभ भवन भोपाल में आग लगी है और यहां पर अभी तक कारण क्या रहे, आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। और अभी आपको बता दें कि इस आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी तक जो आग है किस तरह बढ़ी है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें वहां पर अभी दिखाई दे रही है, क्या स्थिति है फिलहाल? इसमें सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मैं, वल्लभ भवन के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो धुआं है वो लगातार उठ रहा है। ये बताता है कि जो तीसरी मंजिल पर जो आग लगी थी वो धीरे धीरे करके चौथी और पांचवी मंजिल तक भी पहुंच चुकी है। और ये देखिए आग जो धुआं है वो लगातार यहां से उठता नजर आ रहा है। हालांकि एक दर्जन से अधिक जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको अंदर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कचरा और जो पुरानी फाइलें थी उसमें आग लगी और धीरे धीरे आग बढ़ गई। देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से का सचिवालय है, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ बैठते हैं, तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री का जो चैम्बर है वो भी यहाँ पर है। और देखिए इस पर जो आग लगी है, फिलहाल आग लगने के कारण को अभी खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी तरह से ये आग लगी, लेकिन ये प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है वो ये बता रही है, जानकार जो बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कचरा हुआ पड़ा हुआ था थर्ड फ्लोर पर, इसके साथ ही जो कुछ वहां पर पुरानी फाइलों की रद्दी थी उसमें ये आग लगी और धीरे धीरे करके ये आग ये बढ़ गई। और इसके पहले भी हमने देखा था कि लगातार जो है वो आग सतपुड़ा भवन में भी आग लगी। देखिए फायर ब्रिगेड की जो बड़ी गाड़ियां हैं वो अब यहां पर बुलाई जा रही है, पहले छोटी गाड़ियां बुलाई गई थी और धीरे धीरे करके जो आग है वो लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। देखिए लगातार खास ये जगह है और ऐसे में इसमें आग लगना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़ा करता है कि देखिए लगातार सुरक्षा के मानकों को लेकर क्यों आखिर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। देखिए पहले भी लगातार देखने में आया, चाहे भाई वल्लभ भवन हो या सतपुड़ा में भी, देखिए पिछले तो कुछ दिनों पहले आग लगी थी, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जलकर खाक हुए थे और बताया जा रहा था कि जो कई तरह की जो फाइलें उसमें जल गई थी। देखिए अभी मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, दमकल की गाड़ियां जो है वो लगातार जा रही है, लेकिन जो आग है वो लगातार जलती नजर आ रही है, क्योंकि जो धुआं जो उठ रहा है वो बताता है कि किस तरीके से कितनी देर पहले इसकी सूचना मिली थी शैलेंद्र, कब ये आग लगी, कैसे पता चला? और अभी की जो तस्वीरें हैं वो तो दिखाई दे रही हैं कि धुआं तो उठ रहा है, लेकिन अभी कितना खतरा है स्टाफ और क्या है ताजा अपडेट क्या, चूंकि अब सैटरडे आज है, स्टाफ भी कम ही रहता है, इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई? देखिए बिल्कुल, अगर बात करूं तो अमूमन 10 बजे के आसपास पूरा स्टाफ यहां पहुंचना शुरू हो जाता है, और चूंकि कल छुट्टी का दिन था और आज जो है वो सभी स्टाफ धीरे धीरे करके यहां पहुंचने भी लगा था, तो तमाम जो कर्मचारी हैं वो अंदर ही मौजूद थे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम रहा होगा जब ये आग लगी और धीरे धीरे करके जो आग है वो बढ़ती जा रही है, तो तमाम जो अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके थे। अभी भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो लगातार अभी वल्लभ भवन में आ रहे हैं, हालांकि सिक्योरिटी चेकिंग किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आग लगी है तो इसलिए इस इलाके में जो कर्मचारी हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां जो हैं वो यहां पर बुला ली गई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की तरफ से। फिलहाल प्रारंभिक जो कारण नजर आए वो साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि कचरे में आग लगी थी और आग धीरे धीरे करके भड़क गई। बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर कुछ रद्दी फाइलें भी पड़ी हुई थी उसमें भी आग लगी और यही कारण है कि आग लगातार बढ़ रही है। देखिए जिस तरीके से वल्लभ भवन की बात करूं तो तमाम जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या सुरक्षा जो व्यवस्था नहीं है, क्या जो आग बुझाने के जो संसाधन यहाँ होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, क्यों प्रारंभिक तौर पर किसी ने आग नहीं देखी? अगर प्रारंभिक तौर पर ही आग पर काबू पा लिया जाता तो शायद इतना नहीं आगे आग बढ़ पाती, लेकिन जिस तरीके से जो धुआं उठ रहा है वो बता रहा है कि किस तरीके से आग जो है वो भीषण
भीषण लगी हुई है। तो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां हैं उनको यहां बुलाया गया है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हुए, पुलिस के अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए, प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए। तो फिलहाल पहली जो प्रायोरिटी है वो सीधे तौर पर यही है कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सके। देखिए यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज वो जलकर खाक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए तमाम जो मंत्रालय जो पूरा मंत्री जो है वो यहाँ बैठते हैं, उनसे संबंधित जो पीएस है वो यहाँ बैठते हैं, तो ऐसे में तमाम जो डेटा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में यदि इस पर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो जो बड़ी जो हानि जो है वो सरकार को हो सकती है, क्योंकि देखिए बहुत बेहद खास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारियों के तो केवल पहुँचने का सिलसिला ही शुरू हुआ था और उसी समय ये आग की जो लपटें हैं वो कर्मचारियों के द्वारा देखी गई और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि धुआं जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। ये बता रहा है कि अंदर जो है वो आग जो है वो लगातार बढ़ रही है और उसी बिल्कुल शैलेंद्र जब आप वहाँ पहुंचे थे तो थोड़ा हल्का जो स्मॉगी जो धुआं था, एक हल्का धुंध जैसी थी, अब ये धुआं जो है और गाढ़ा होता जा रहा है, इससे जाहिर है कि आग बढ़ रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर लौटते हैं उस खबर की ओर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे।